हेलो गाइस, वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस मैनिफेस्टेशन। ये हमारी सीरीज़ है टॉप 100 क्वेश्चंस की, और ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आप इस सीरीज़ में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको बहुत ही सुंदर तरीके से और बिल्कुल रट्टा मार लीजिए ये कहें। और चलिए हम अपने पार्ट फोर, और ये अंतिम पार्ट है इस यूनिट का, तो इस पर शुरू करते हैं 76 क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 76। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैज़ गिवन हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म इन। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विवरण दिया है। ऑप्शन ए द थर्ड ब्रिटिश एम्पायर, ऑप्शन बी इंपीरियलिज्म एंड सिविलाइजेशन, ऑप्शन सी द मैन ऑफ डेस्टिनी, ऑप्शन डी द पैटर्न ऑफ इंपीरियलिज्म। योर आंसर इज ऑप्शन सी द मैन ऑफ डेस्टिनी। क्वेश्चन नंबर 77। मार्क्सिस्ट थ्योरी सोसाइटी इज डिवाइडेड इन टू डोमिनेंट एंड डिपेंडेंट क्लासेस एंड द फॉर्मर कंट्रोल्स द स्टेट विच इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ मार्क्सवादी सिद्धांत। समाज को प्रमुख और आश्रित वर्गों में विभाजित किया गया है और पूर्व उस राज को नियंत्रित करता है जो एक अवतार है। ऑप्शन ए पॉलिटिकल पावर, ऑप्शन बी इकोनॉमिक, ऑप्शन सी सोशल पावर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। योर आंसर इज ऑप्शन ए पॉलिटिकल पावर। क्वेश्चन नंबर 78। द वर्क हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम एंड अदर एसे इज ऑथर्ड बाय। स्वतंत्रता और अन्य निबंधों का कार इतिहास इस प्रकार है। ऑप्शन ए लॉर्ड हरवॉट, ऑप्शन बी लॉर्ड चेस्टरफील्ड, ऑप्शन सी लॉर्ड एक्टन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। योर आंसर इज लॉर्ड एक्टन। क्वेश्चन नंबर 79। द पैटर्न ऑफ सोशल रिलेशन एट एनी स्टेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड बाय। सामाजिक विकास के किसी भी स्तर पर सामाजिक संबंधों का पैटर्न निम्न द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन ए द फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एट दैट स्टेज, ऑप्शन बी द रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन एट दैट स्टेज, ऑप्शन सी द मोड ऑफ प्रोडक्शन एट दैट स्टेज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। योर आंसर इज द फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एट दैट स्टेज। क्वेश्चन नंबर 80। इन मार्क्सिस्ट थ्योरी द स्टेट विल वेदर अवे आफ्टर। मार्क्सवादी सिद्धांत में राज पीछे हट जाएगा। ऑप्शन ए रिवॉल्यूशन ऑफ वर्कर टेक्स प्लेस, ऑप्शन बी अ क्लासलेस सोसाइटी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, ऑप्शन सी प्रोलेटेरियट टेक्स अवे द प्रॉपर्टी ऑफ द कैपिटलिस्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। योर आंसर इज ऑप्शन बी अ क्लासलेस सोसाइटी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 81। अ ग्रेट मेरिट ऑफ द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट लाइज इन द फैक्ट दैट। राज के मार्क्सवादी सिद्धांत की एक महान योग्यता इस तथ्य में निहित है कि ऑप्शन ए इट एम्फेसाइजेस द रोल ऑफ इकोनॉमिक फोर्स इन शेपिंग हिस्ट्री, ऑप्शन बी इट एम्ब्रेसेस न्यूमेरिकल एबिलिटी, ऑप्शन सी इट एम्ब्रेसेस द लिबरल थ्योरी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। योर आंसर इज ऑप्शन ए इट एम्फेसाइजेस द रोल ऑफ इकोनॉमिक फोर्स इन शेपिंग हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 82। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज एडिटेड बाय ब्लैकबर्न। ब्लैकबर्न ने निम्नलिखित में से किस कार्य को संपादित किया है। ऑप्शन ए पॉलिटिकल थ्योरी, ऑप्शन बी पॉलिटिकल थॉट इन इंग्लैंड फ्रॉम स्पेंसर टू टुडे, ऑप्शन सी थ्योरी ऑफ द स्टेट, ऑप्शन डी आइडियोलॉजी इज सोशल साइंस। क्वेश्चन योर आंसर इज ऑप्शन डी 83। हु प्रिसाइडेड ओवर द ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928। जिन्होंने सभी पार्टी सम्मेलन की अध्यक्षता की 1928। ऑप्शन ए पंडित मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर एम ए अंसारी, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी सी आर दास। योर आंसर इज ऑप्शन डॉक्टर एम ए अंसारी, ऑप्शन बी। योर नेक्स्ट क्वेश्चन 84। द प्रोमिनेंट क्रिटिसिज्म ऑफ द मार्क्सियन थ्योरी इज दैट। मार्क्सवादी सिद्धांत के प्रमुख आलोचना यह है कि ऑप्शन ए देर इज नो रिजिड डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू टू क्लासेस, ऑप्शन बी द साइज ऑफ द मिडिल क्लासेस हैज इंक्रीज अंडर द कैपिटलिस्ट सिस्टम इंस्टेड ऑफ डिमिनिशिंग, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी इट प्रोग्नोसिस हैज नॉट बीन प्रैक्टिकेबल एनीवेयर एनी टाइम। योर आंसर इज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 85। Among the early Greeks, who held the view that the state is not a divine inspiration guiding the footsteps of man into eternal truth, but a device of his own, making for the convenience of his social life? उन शुरुआती यूनियनों में जिन्होंने यह विचार रखा कि राज एक दिव्य प्रेरणा नहीं है जो पुरुषों के नक्शे कदम को आंतरिक सत्य में निर्देशित करता है, लेकिन अपने स्वयं के उपकरण को अपने सामाजिक जीवन की सुविधा के लिए बन रहा है। ऑप्शन ए सॉक्रेट्स, ऑप्शन बी पेरिकल्स, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी एपिक्यूरस। योर आंसर इज ऑप्शन डी एपिक्यूरस। क्वेश्चन नंबर 86। अकॉर्डिंग टू अर्ली रोमन लक्स सिग्निफाइड। प्रारंभिक रोमनों के अनुसार लक्स ने संकेत दिया।
ऑप्शन ए स्टेट, ऑप्शन बी सोसाइटी, ऑप्शन सी इटर्नल ट्रूथ, ऑप्शन डी लॉ। योर आंसर इज ऑप्शन सी इटर्नल ट्रूथ। क्वेश्चन नंबर 87। द व्यू दैट द स्टेट वॉज क्रिएटेड बाय अ मैन वॉज गिवन अ सिस्टमैटिक एंड थियोरेटिकल ट्रीटमेंट ड्यूरिंग राज को मनुष्य द्वारा बनाए जाने के दौरान एक व्यवस्थित और सैद्धांतिक उपचार दिया गया था। ऑप्शन ए 14th सेंचुरी, ऑप्शन बी 17th सेंचुरी, ऑप्शन सी 18th सेंचुरी, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। योर आंसर इज ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 88। अकॉर्डिंग टू अर्ली रोमन सिलेक्स सिग्निफाइड प्रारंभिक, ये माफ करिएगा ये क्वेश्चन नंबर दोबारा हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तुरंत। क्वेश्चन नंबर 89। द मेन एक्सपोनेंट ऑफ द व्यू दैट द स्टेट इज मैन मेड इंस्टीट्यूशन एंड आर्टिफिशियल डिवाइस वर, इस दृष्टिकोण के मुख्य प्रतिपादक की राज एक मानव निर्मित संस्था और कृत्रिम उपकरण थे। ऑप्शन ए हॉब्स एंड लॉक, ऑप्शन बी लॉक एंड बेंथम, ऑप्शन सी हॉब्स लॉक एंड बेंथम, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। योर आंसर इज ऑप्शन सी हॉब्स लॉक एंड बेंथम। क्वेश्चन नंबर 90। द मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ द स्टेट गिव राइज टू द डॉक्ट्रिन ऑफ, इस दृष्टिकोण के मुख्य प्रतिपादक के राज एक मानव निर्मित संस्था है और कृत्रिम उपकरण थे। ऑप्शन ए लिबरलिज्म, ऑप्शन बी अनार्किज्म, ऑप्शन सी इंडिविजुअलिज्म, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। योर आंसर इज ऑप्शन सी इंडिविजुअलिज्म। क्वेश्चन नंबर 91। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी हैज फर्स्ट लेटर द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में डेमोक्रेटिक संस्थानों के विकास का पहला पत्र है। ऑप्शन ए लिबरलिज्म, ऑप्शन बी गिल्ड सोशलिस्ट व्यू ऑफ द स्टेट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ द स्टेट। योर आंसर इज ऑप्शन डी मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ द स्टेट। क्वेश्चन नंबर 92। द वर्क सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडस्ट्री इज ऑथर्ड बाय, ऑप्शन ए जर्मन, ऑप्शन बी जी डी एच कोल, ऑप्शन सी आर जी जेटल, ऑप्शन डी पेंटी। योर आंसर इज ऑप्शन बी जी डी एच कोल। क्वेश्चन नंबर 93। हु अमंग द फॉलोइंग अर्ली ग्रीक्स compared the state to a man for a great stature and pointed out that the resemblance between the functions of the state and those of an individual, निम्नलिखित में से किसने प्रारंभिक अवस्था में राज की तुलना बड़े कद के व्यक्ति से की और राज के कार्यों और किसी व्यक्ति के बीच समानता का संकेत दिया। ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी एरिस्टोटल, ऑप्शन सी सोक्रेट्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। योर आंसर इज ऑप्शन ए प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 94। प्लेटो बेस्ड हिज थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी, नेमली वर्किंग क्लासेस, वॉरियर एंड द रूलर्स, अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग फैकल्टीज ऑफ द ह्यूमन सोल। प्लेटो ने समाज के अपने तीन गुना वर्गीकरण के आधार पर काम करने वाले वर्ग, योद्धा और शासक मानव आत्मा के निम्नलिखित संकायों में से किस पर आधारित है। ऑप्शन ए एपेटाइट, ऑप्शन बी ग्रीड, ऑप्शन सी विजडम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। योर आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 95। Which of the following events challenged the view of the state as a natural institution? निम्नलिखित में से किस घटना ने राज के दृष्टिकोण को एक प्राकृतिक संस्था के रूप में चुनौती दी? Your answer is option C, scientific revolution of the 17th century. Question number 96. Which of the following ignored the distinction between the state and society? निम्नलिखित में से कौन राज और समाज के बीच के अंतर को नज़रअंदाज करता है? ऑप्शन ए मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ द स्टेट, ऑप्शन बी ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ द स्टेट, ऑप्शन सी मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ द स्टेट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। योर आंसर इज ऑप्शन बी ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ द स्टेट। क्वेश्चन नंबर 97। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिगार्डेड एज द करेंसी ऑफ पावर, निम्नलिखित में से किसे शक्ति का मुद्रा माना जा सकता है? ऑप्शन ए फूड, ऑप्शन बी न्यूक्लियर वेपन, ऑप्शन सी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, ऑप्शन डी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस। योर आंसर इज ऑप्शन बी न्यूक्लियर वेपन्स। क्वेश्चन नंबर 98। Who was of opinion that the end of Cold War represented the victory of ideal state and liberal capitalism? किसकी राय थी कि शीत युद्ध का अंत आदर्श राज की जीत का प्रतिनिधित्व करता है और उदार पूंजीवाद? ऑप्शन ए मैकेल, ऑप्शन बी थॉमस, ऑप्शन सी फ्रांसिस फुकुयामा, ऑप्शन डी सैम्यूल। योर आंसर इज ऑप्शन सी फ्रांसिस फुकुयामा। क्वेश्चन नंबर 99। हु अमंग द फॉलोइंग रिफर टू द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक सिद्धांत की गिरावट का उल्लेख किया? ऑप्शन ए डेविड एल्फ्रेड लैसलेट एंड रॉबर्ट डहल, ऑप्शन बी विल डोरेंट, ऑप्शन सी नैन्सी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। योर आंसर इज ऑप्शन ए डेविड एल्फ्रेड लैसलेट एंड रॉबर्ट डहल। क्वेश्चन नंबर 100। मैकियावेली इज रिगार्डेड एज द मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर बिकॉज ऑफ, मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक के रूप में माना जाता है क्योंकि? ऑप्शन ए सेपरेशन ऑफ एथिक्स एंड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, ऑप्शन बी फॉरनर ऑफ नेशन स्टेट, ऑप्शन सी स्पिरिट ऑफ रिनाउंस।
ऑप्शन डी सबऑर्डिनेशन ऑफ चर्च टू स्टेट. योर आंसर इज ऑप्शन ए सेपरेशन ऑफ एथिक्स एंड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स. तो ये हमारा इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था, और जिन्होंने अभी तक हमारी सीरीज़ नहीं देखी है वो देखें जाकर, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो पक्का आपसे मैं कह सकता हूँ ये बहुत ही नेसेसरी हैं आपको याद करना. और मैं कह सकता हूँ ये ज़रूर क्वेश्चंस में आपको एंट्रेंस एग्जाम का जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपको ज़रूर दुखो देखने को मिलेगा. चलिए, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें. अगर आपको हमारा चैनल में कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए या फीडबैक देना हो तो आप हमको दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में. और वॉच करने के लिए थैंक यू.